सो हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टेक बॉय रिफी, आई एम रिफी। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन पुराना है, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना या उससे भी पुराना, और आपका भी फ़ोन अटकता है, आपके फ़ोन का रैम 1 GB, 1.5 GB या 2 GB या रोम 16 GB, 8 GB है, और आपका भी फ़ोन अटकता है, सही से नहीं चलता, हैंग करता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पुराने फ़ोन यूज़ करने का कुछ तरीका बताऊँगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन को कई सालों बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बेधड़क। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ मिलता है नॉलेज बिन गए कॉलेज। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि आप अपने फ़ोन में कोई ऐसा वैसा गेम जो कि जिसकी साइज काफ़ी हाई है, 700 MB, 800 MB या 1 GB के आसपास, तो वो सब गेम आप डाउनलोड ना करें। बल्कि अगर आपको गेम डाउनलोड करना तो लूडो या छोटा मोटा जो गेम होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बड़े साइज के गेम आप डाउनलोड मत करिए। उसके अलावा सेकंड चीज़ कि अपने फ़ोन का रैम आप हमेशा क्लियर करते रहा करिए, क्योंकि काफ़ी कैश फाइल और काफ़ी जंक फाइल भी आपके इंटरनल मेमोरी को घेर के रखती है, जिस कारण से भी आपका फ़ोन स्लो हो जाता है, बेवजह का आपका 1 GB, 2 GB के आसपास आपका स्पेस वो घेरे रहता है। तो इसको आप हमेशा क्लियर करते रहा करिए। क्लियर करने के लिए कुछ थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत करिए। वैसे कई कंपनियां तो अपने खुद का एक देती हैं क्लीनर, जिससे आप अपने फ़ोन को आप क्लीन कर सकते हैं, जंग फाइल आप डिलीट कर सकते हैं और तरह की चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं, उसमें उसके हिडन फाइल भी आप देख सकते हैं उससे। तो आपके मोबाइल में वो ऑप्शन है तो आप वो यूज कर लीजिए, वरना गूगल का आप ये प्रोडक्ट डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी बेटर ऐप है ये। इसमें आप काफ़ी तरह के हिडन फाइलें या आपका अगर इसमें कई कैटेगरी दी है, जैसे इमेज का, वीडियो का, ऑडियो का, तो सभी में अगर जाएंगे तो जैसे इमेज में गए तो आपका जितना इमेज आपके मोबाइल में है, चाहे वो किसी भी ऐप का हो, व्हाट्सएप का हो, टेलीग्राम का हो, फेसबुक का हो, आपने खुद कैमरे से खींचा या किसी भी तरह का फ़ोटो हो या वीडियो हो या ऑडियो हो, किसी भी तरह का, सारी फाइलें आपको वहाँ पर शो कर जाती हैं। तो जिन फाइलों को आपको यूज ना हो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जंक क्लीनर नाम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप अपनी फाइलों को का जंक को आप क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपका मेमोरी काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा। थर्ड चीज़ ये आती है कि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि पुराने फ़ोन होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो उस पर उतना लोड दे देते हैं, इतने ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिस वजह से उनका फ़ोन काफ़ी स्लो चलता है। तो कभी भी आपका फ़ोन जब पुराना हो जाए, क्योंकि पहले जो ऐप थे, मान के चलते हैं यूट्यूब का पहले का जो साइज था, 3 साल पहले का साइज था, वो काफ़ी कम था, लेकिन सेम वही यूट्यूब आज कई GB के आसपास का साइज हो जाता है उस ऐप का। इसके अलावा फेसबुक का भी साइज पहले कम था लेकिन आज 45 MB के आसपास है। तो आपका फ़ोन पुराना हो गया तो आप उसमें इतना सारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ोन आपको दिक्कत खड़ा करेगा। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने फ़ोन में एक SD कार्ड यूज करिए, जिसको मेमोरी कार्ड भी लोग बोलते हैं, तो उसको आप यूज़ करिए। आपका फ़ोन अगर 32 GB सपोर्ट करता है तो 32 GB, 64 करता है तो 64, या जितना आपका मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है आपका फ़ोन, उतने GB का आप SD कार्ड, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करिए। और उसके अलावा जितने आप ऐप डाउनलोड करते हैं सभी का एक्सेस आप मेमोरी कार्ड में दे दीजिए, ताकि जो भी आप अपने फ़ोन में ऐप रखे हुए हैं वो सभी आपके फ़ोन में ना होकर मेमोरी कार्ड में रहेंगे, तो जो स्पेस है आपका वो फ़ोन का क्लियर रहेगा, क्योंकि फ़ोन का स्पेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके फ़ोन की लाइफ आप अच्छा चाहते हैं। तो अगली बात आती है कि कई लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे फेसबुक डाउनलोड करते हैं या इंस्टाग्राम या ट्विटर या कई तरह के ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो उनका बिग वर्जन डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल वर्जन जो होता है, जो कि 40 MB, 50 MB, 20 MB, 30 MB के आसपास होते हैं। तो चूंकि आपका फ़ोन पुराना है तो आपको फिर उसका लाइट वर्जन यूज करना है, जैसे आपको फेसबुक लाइट आपका 2 MB से भी नीचे का वो ऐप है, अगर इंस्टाग्राम लाइट की बात करूँ तो वो भी 2 MB का साइज का वो ऐप है। इसके अलावा अगर ट्विटर की बात करूँ तो 221 KB का है, सोचिए 221 KB कितना कम होता है और उस साइज का वो। तो अगर आपका फ़ोन पुराना है तो आप हमेशा लाइट वर्जन ही इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आप अगर 20 भी ऐप रखते हैं मोबाइल में तो आपका 50-60 MB से ज़्यादा आपका मेमोरी नहीं घेरेगा वो। उसके बाद एक बात और आती है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे तो वो आपके क्रोम में एक हिस्ट्री बन के सेव हो जाता है, जिसको आपको
मैं तो कहता हूँ कि रोज़ डिलीट करना चाहिए, वो भी ऑल टाइम का। तो जब भी आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो वहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन देगा, वहाँ पे जाके आप पूरा क्लियर कर दीजिए। उसमें ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा ऑल टाइम का, ना कि 1 आवर का, ना तो 7 डेज का, ना तो अदर टाइम, तो वो मत चूज़ करिएगा। ऑल टाइम चूज़ करके उसको डिलीट कर दीजिएगा, उसमें भी आपका 300, 400, 500 MB आराम से खाली हो जाएगा। एक चीज़ और निकल के आती है कि हम लोग फ़ोन बस यूज किए जाते हैं जब तक वो फ़ोन जवाब ना दे, प्रॉब्लम ना आ जाए उसमें। हर 5-6 महीने में एक बार रिस्टोर जरूर मार दीजिए। रिस्टोर मारने से क्या होगा कि आपकी पुरानी हिस्ट्री सभी क्लियर हो जाएगी, फ़ोन आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसकी मेमोरी जो है फ्री हो जाएगी, तो इससे आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलेगा। एक बात इसमें और आती है, जब भी आपका इंटरनल मेमोरी आप चेक करिए तो उसको कम से कम 25-30% तक फ्री रखिए, उससे ऊपर करेंगे तो और बेटर है, वरना कम से कम 25-30% तक आप फ्री रखिए। इससे आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलेगा और काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए, और मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर और व्यूज से जुड़ी हुई चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके अलावा फॉलो भी कर लीजिएगा। कोई सवाल आपका आता है जहन में तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उसके अलावा जो पहले 5 कमेंट करेंगे उनका नाम अगली Q&A वीडियो में लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको पूरा ज्ञान।